अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 169 पर। कल हमने देखा, कल वाले वीडियो में ये दो तीन पार्ट्स इधर थे, चार पार्ट्स, तो इनमें भी रिव्यू था इस क्राइटेरिया का। पहले वाले में तीनों साइड बराबर है, लिहाजा SSS कानून आएगा, उधर वही रूल आएगा, वही क्राइटेरिया आएगा। देखो ये हमने कल पढ़ा है, दूसरे में था साइड एंगल साइड, तो तीसरे में था एंगल साइड एंगल, उधर दो एंगल इक्वल है और बीच वाला साइड इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल। तो तीसरे चौथे में था राइट एंगल ट्रायंगल का मामला, साइड दो बराबर थे, देखो यस, तो RHS हमने उसको लिखा। तो इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो ये चार कानून है, इसके चार लॉ है, चार क्राइटेरिया है, इनका इधर मशक होता है आपको। देखो साइड एंगल, यस RHS। तो बेटा कल हमने फिर देखा उधर कम्युनिटी क्लास में, आपने देखा, यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उधर आपको ये दिखाया। देखो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ए बी किसके बराबर है, शक्ल को देखकर बताना है। ए आर किसके बराबर है, ए आर पी ई के बराबर है, जैसे हमने कल देख लिया उधर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू भी हमने किया, यस, जब ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, गिवन, ये साइड, आप वैसे भी लिख सकते हो, कॉमन आप लिख सकते हो उसको, साइड वो वाला कॉमन है, हाँ यस। तो आ गया कौन सा कानून, इसको लिखना है साइड एंगल, ये हमने कल देख लिया। तो आज का सबक जो है, आज का लेसन जो है, वो क्वेश्चन नंबर फोर से समझो शुरू है। मैं रिविजन कर रहा था पहले तीन वाले क्वेश्चन का आपको। देखो इधर दिया है एंगल ए 30, ये बिल्कुल ईजी है, एंगल पी बी 30 है, एंगल बी 40, एंगल क्यू बी 40 है, एंगल सी 110, एंगल आर 110। तो आपको दो शक्लें बनानी है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर आपको कंपेयर करना है और बताना है क्या ये सही है। एक लड़के ने लिखा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर है, कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल, तो क्या वो लड़का सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, आपका क्या समझते हो। देखो इधर मैंने दो शक्ल बनाई इसकी, देखो इस ट्रायंगल के सारे एंगल इस ट्रायंगल के सारे एंगलों के बराबर है, तो लड़का कहता है एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट हो गई। नहीं बेटा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने अभी देखा वो चार उसूल, सिर्फ वो चार उसूल है, साइड एंगल, यस RHS, ये चार कानून है। इधर कहीं आता है एंगल, नहीं, ये इसका क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए लड़का गलत कह रहा है। इधर मैंने किया भी है, मैं आपको इसका फोटो भी भेज दूंगा ग्रुप में। तो देखो एंगल नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है, इज नॉट क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये रॉन्ग है, ये लड़का गलत बता रहा है। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन है इधर बुक पर, यस क्वेश्चन नंबर फाइव है, फिगर्स दो दी गई है, तो ये हमको बताता है फिगर्स में इसने साइंस दिए है कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा साइड किसके बराबर है। तो इधर ये कहता है अब RAT एक ट्रायंगल है, तो बताओ ये RAT ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगी। आपको इसी तरतीब से उधर शक्ल में देखना है कौन सा किसके मुकाबल में है, सीध में है, कौन सा साइड किसके सीध में है, कौन सा एंगल किसके सीध में है, तो उसी हिसाब से आपको वो ट्रायंगल अरेंज करनी है। देखो भाई लोग, यस RAT, तो मैंने इधर देख लिया है, हाँ शक्ल की वजह से समझ में आता है WON, ट्रायंगल WON के ये कॉन्ग्रेंट हो गई। तो कैसे कॉन्ग्रेंट होती है, इसमें बहुत सारी चीजें इसने दी है, इसमें साइड एंगल भी आएगा, इसमें एंगल साइड एंगल भी आएगा, दोनों कानून इसमें आएंगे क्योंकि इसमें चारों चीज जो है वो बराबर है, चार चीज इसमें बराबर है, हमें तीन ही की जरूरत होती है तरतीब में, तो इसने चार दी है, तो इधर दो कानून आ सकते हैं, एंगल साइड एंगल, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो इधर एक और है, किताब पर ही आपको वो करना है, शक्ल बिल्कुल इजी है, BCA, इसी सवाल के मुताबिक BCA, तो ये कॉन्ग्रेंट किसके हो गई, तो मैंने इधर लिखा है BTA, यस BTA, तो इधर इस ट्रायंगल का TPR, वो आप खुद कर सकते हो, जब कोई बच्चा थोड़ा सा जोर देगा अपने दिमाग पर वो करेगा इंशाल्लाह, यस यू आर गुड स्टूडेंट्स। देखो फिर है एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक पेपर लो उसको कैंची से काटो स्क्वायर बनाकर, तो दो ट्रायंगल्स बनाओ उसकी जिनका एरिया बराबर होगा, निसब निसब, फिर दो ट्रायंगल्स और ले लो जो कॉन्ग्रेंट नहीं होगी,
हाँ, व्हाट कैन यू से अबाउट द पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स? पेरीमीटर जब ट्रायंगल्स दो कान घंटे इधर हो गई, इनका पेरीमीटर इक्वल आएगा। यस इधर मैं लिखूंगा पेरीमीटर को, मैं पी लिखूंगा, पी ई आर आई एम ई टी आर, पेरीमीटर इज इक्वल, पेरीमीटर इज जो दूसरी शक्ल बनेगी पेरीमीटर नॉट इक्वल, इसका पेरीमीटर इक्वल नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी है इसी तरह, उसको भी थोड़ा सा देख लेना, और क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बहुत इजी है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को गौर से देखोगे और इन पेजेस 170 और 170 को भी गौर से देखोगे, एंड जो मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, फोटो भेजूंगा इसका, तो उसको भी ध्यान से आप नोट करोगे। थैंक यू वेरी मच।